चौथा नंबर कितना था पढ़ना, बोलिए। चैप्टर नंबर फोर में हम लोग कहाँ तक थे, है याद नहीं है तुमको? हाँ, 19। तो बोलो ना 19 में। तो सोच रही है कि कोई बोलेगा, काहे नहीं लिखा रहा है। ओहो, ये वाला बात। देखिए पेज नंबर 19 आया। बुझा रहा है सबको और बड़ा और कह रहा है, छह पूर्व परिभाषित मार्जिन होती है जिनका नाम नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड एवं ऑफिस 2003 डिफिकल्ट है। देखिए हम लोग ऑफिस जो यूज करते हैं, एमएस ऑफिस की जो बात हम लोग करते हैं, वह 2003 भी आता है एक ऑफिस, ठीक है। एक होता है 7, 8 होता है, 10 होता है, 13 होता है, 19 होता है, इस तरह से ऑफिस है। तो ये तीन की बात बोले जिसमें ये क्या होता है, नॉर्मल, नैरो, मॉडर्न, वाइड, मिरर्ड एवं ऑफिस 2003 में डिफिकल्ट होता है। जैसे हम लोग 10 में चाहे 7 में ये वर्ड, इस वर्ड में खोलते हैं तो इसका डिफिकल्ट क्या है, जब भी हम खोलेंगे तो इसका डिफॉल्ट सेटिंग है कि होमे खुलेगा। होम टैब दे रहा है ना, होमे खुलेगा, ये नहीं कि इंसर्ट खुलेगा। जब भी खोलेंगे तो कौन खुलेगा, होमे टैब खुलेगा। उसी तरह उसमें डिफॉल्ट है कि जब भी खुलेगा तो यही खुलेगा, इसमें किसी तरह से किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, जो चयन करने के लिए उपलब्ध होते हैं आप या तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से एक का चयन कर सकते हैं या कहा चल दी, या फिर शीर्ष निचले बाएं और दाएं बॉक्स में मार्जिन मान प्रविष्ट करने के लिए कस्टमाइज मार्जिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर भी विंडो परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करती है। जो हम लोग फिर भी एक बटन होता है जिसमें उन्होंने प्रतिबिंब जो बता रहा है वो दिखाता है, ठीक है, उसी के बारे में इन्होंने बता रहा है। अब हम लोग कहाँ पे ये रहता है बॉक्स, दाएं बॉक्स यानी कस्टमाइज मार्जिन की जो बात बोल रहे हैं हम लोग, इस मार्जिन को कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे अब इसमें हमको बताएगा। यदि दस्तावेज में हेडर और या फुटर है तो, हेडर या फुटर जानते हैं, हेडर फुटर जानते हैं, उसी के बारे में बता रहा है। हेडर या फुटर है तो पीस के किनारे से या टेक्स्ट जहाँ पर प्रदर्शित होता है उसकी दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, समझ गए। जो वहाँ पे हैं, जो दूरी है उसको हम परिवर्तित, कम बेस, लाइनिंग स्पेसिंग या जैसे भी हम चाहें इसको जस्टिफाइड, लेफ्ट राइट के माध्यम से कर सकते हैं। यही है बाबू हेडर या फुटर। हम लोग इंसर्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे दिया गया हेडर लगाना है तो हेडर लगाइए। ये हो गया हेडर लिखा, हो जाएगा फुटर। अभी इसको कम बेस करना है, हो रहा यहाँ से
या फिर इसको मरा था वो। होत बाकी ना। हाँ तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसमें लिखे हुए टेक्स्ट को भी आप लाइनिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लिखना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आया लिखाने लगा, ऐसे करके दोनों लिख सकते हैं। इसी को हेडर या फुटर के बारे में इन्होंने बता रहा है। इन परिवर्तनों को पूर्ण दस्तावेज पर लागू करने के लिए अप्लाई टू सूची बॉक्स के बगल में बने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें, और यदि यह प्रदर्शित नहीं होता है तो विकल्प बदल कर पूर्ण दस्तावेज करें। मतलब उसी को लिए टूल को जो हमने यहाँ से किए हैं, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हेडर दे रहा है, हेडर फोटो एरो बनल है, इसके माध्यम से इसमें क्लिक कीजिए, आज इस पे करना उस पे आ जाएगा हेडर। आया, फुटर में भी एरो बनल है, उस पे क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, समाप्त होने पर ओके पर क्लिक करें, यहाँ पे दे रहा है, सब आया। अब मार्जिन के लिए इन्होंने बता रहा है, तो अब मार्जिन भाई मेरे मार्जिन को देखना है, तो आ जाइए यहाँ पे सीधे पेज ले आओ, यहाँ मार्जिन किस पे जाना है उस पे क्लिक कर दीजिए, उस तरह से पेज हो गया, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम यहाँ से बताएंगे अगला, फिगर नंबर भी देख लिया हम, करके भी दिखा दिया आपको, इसमें किसी तरह से कोई डाउट आ रहा है पूजा समझ में? अब उसके बाद 4.8.2 पेज साइज और होरिजेंटल, हाँ वर्टिकल पोर्ट्रेट और वर्टिकल नहीं जानते हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, उसी के बारे में बता रहा है। ये तो आप लोग हमको अंदाज से वर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, आ रहा है ना, बोलिए। अब वो बगुआ पर है, खराब छूट गई, खराब वहां खोलते माता सूत जाती है, ताकि रही नींद, खड़ा होगा पहले तुम क्लास में सो जा रही, खड़ा होगा जल्दी, फौरन आवाज हो रहा है, देख खुश रहो बाबू, जहां रहो वहां आवाज रहो। अब का सरकार बनाने में भी फ्री वाला का साफ नॉमिनेशन हो से पहले ये से तू एबसेंट बारा जाए मर, सरकार के एकरो बनी सुन ला, कमाब तबे खाएब पेट भरे ला, अपने मेहनत करे कोई केकरो सरकार बन जा, समझ गए? अब देखिए यहाँ से मुख्य टैब पर आए, बताओ तुम क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, काहे मुंह ऊंचाई लगन बना रही है, बताओ ना हम जो पूछ रहे हैं तो। बारे बार ऊपर नीचे तो टॉप बॉटम का हो कला, लंबाई चौड़ाई दाम यहाँ पढ़ाई दिली, एक से समझा चाहे पेज सेटअप में जाके कह द, बटम दिल तो बटम में बढ़ा द, टॉप दिल तो टॉप में बढ़ा द, यो गए लंबाई चौड़ाई बढ़ाए तो चौड़ाई में बढ़ा द पेज के, क्या हो? हम पूछा था नहीं, आम तू बताओ था ना, लीची लीची तो और खत्म हो गया, अब लीची पर ध्यान ना रहा, अब आम पूछा था तो हमें बताओ, जे पूछम सही बताइया, खत्म हुआ कि नहीं लीची? हो गया तो जल्दी पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो। आया अभी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना है समझ में आ रहा, कैसे समझाएंगे हम तो पागल हो जाएंगे, इसको नोटे पर से समझा रहे वर्ड पर से, 3 महीना से कहा नहीं देखती है, कहा नहीं लाइव करती है, कब से तुमको बोला 1.5 महीना से बोले कि आगे तुम लाइव करना यार, 4 घंटा 5 घंटा बोलते है कि नहीं बोलते हैं, करेगी तो मेरे लिए करेगी, सीखेगी तो धीरे धीरे फूल हो रहा है, कल हो के तुमको मिलेगा, डेट निकालने तो ना, किसी को नहीं देंगे बोल वाला को साफ है सिस्टम, जो आ रहा है उसी को रहेगा, भीड़ में आएगा भीड़ करने, बैठो अभी हो के कॉपी लेखन बताए थे कि इसको बोलते लंबा हुआ था, इसको बोलते है छाती, वही गति बोल रही है, तू बोले लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, झूठ मत बोलना, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं,
क्या बोली है शॉर्टकट? कति लंबाई चौड़ाई? अच्छा तुम अभी बताओ अभी लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? हाँ अब पोर्ट्रेट का अभी ये समझ में आई नहीं। बहुत मतलब ये होता है ना, ये लोग मतलब झूठ को साथ साथ को झूठ बने पूरा मतलब सातीर आदमी है। चलिए बैठिए कि नहीं, हम जो बोले वही सही रहेगा, आपके कहने से सही सही हो जाएगा, भले वो बोलते ही क्यों ना हो। याद है कि मुख टाइप पर देखो वही बताने जा रहे हैं कैसे होगा, कैसे ये खुलेगा। अब एक एक करके ये बता रहा है, इसमें मुख टाइप पर, मुख टाइप बार पर जो मुख टाइप होता है वहां पे उसके बारे में बताया जा रहा है। टाइटल बार बताया है ना, उसी तरह मुख टाइप बार पर पेज लेआउट साइज, पेज लेआउट जो होगा इसमें देख लीजिए पेज लेआउट कहाँ है, चले आए पेज लेआउट कथे निकाल है, पढ़ा रहा है कि ना पढ़ा रहा है, ना पढ़ाएगा तब बोलना, दिख नहीं रहा तब बोलेगी तब ना समझ में आएगा, बोली नहीं रही है दिख नहीं रहा, हम कहेंगे तब बोलेगी कि दिख नहीं रहा। कथी समझ में आ रहा? अब दिख रहा है पेज ले आओ कि नहीं दिख रहा है ना, तो उसी के बारे में इन्होंने बोल रहा है पेज ले आओ, पेज ले आओ। अब पेज लेआउट पे चले गए, दिया ना पेज लेआउट साइड कमांड का चयन करे, उस पर टिक कर दीजिएगा तो चयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। चयन मतलब क्लिक करना, क्या? हाँ, क्लिक करना मतलब माउस की कौन सी बटन दबाना है? दाएं बटन। वाह, अब यहाँ देखिए, और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध लेटर लीगल या A4, लीगल मतलब उसके अलावा भी लेटर दिया गया, साइज साइज का नाम है उस लीगल, मतलब जो आपको उसमें दिया गया वो आप चूज कर सकते हैं, या A4 लेना है तो A4 आकार का ले सकते हैं, तो A4 आकार में से चुने। यदि आपको अधिक विकल्पों को देखने की जरूरत है तो साइज सब टास्क में मोर पेपर साइज पर क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पेज लेआउट पे आके क्लिक कर दिए है, अब उसके बाद यहाँ पे मार्जिंग दिया, यहाँ साइज पे कह रहा मार्जिंग नहीं कर रहा बाबू, क्या कर रहा? यहाँ दे रहा साइज सब टास्क पर, किस पर? साइज सब टास्क पर, ये रहुआ पर क्लिक कर दो। A4 आयल है, A4 लिखा था, यहाँ पे लेटर लिख रहा है, यहाँ पे लेगल लिख रहा, उसी तरह बहुत सारे जिस पे आपको करना है उस पे क्लिक कीजिए, और उस तरह से आपका पेज हो जाएगा। पेज हुआ, हल्का सा कम हुआ, तो समझ गए इसमें लालमुनि, आया समझ में? अब उसके बाद थोड़ी सी ऊपर चले जाएंगे और देखेंगे, इसी के बारे में दिखाएगा चित्र नंबर कितना, 4.16 4.16 ना, हाँ तो उंगा का 16 मत बोल दे तो गलती हो जाए, पता है। अच्छा खड़ा हो जाओ, अभी पूछ लेते, खड़ा होगा अभी हमको, ये हो गया वर्ड, क्या है बाबू? वर्ड है, इसको हम यहाँ से न्यू कर देते हैं, न्यू कर दिए, ये पहले वाला को काट देते हैं, यहाँ से हम न्यू कर दिए, और यहाँ से इसको हम बहुत साइज कर दिए, ठीक है। कह रहा है 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 2, 3, कोई हेल्प नहीं करेगा, दशमलव को हटाना है कैसे हटेगा, क्या हो जाएगा दशमलव जब बताइए, बहुत बोल रही थी, दूसरे के सहारे मत उड़ी। 54.38, हाँ
4532 सही बाहू। पॉइंट हटाने के बाद नहीं बोले मतलब पॉइंट हटाने पॉइंट के हटा बाद देना है, कितना आंसर आएगा ये बताओ। काला ये प्रकृति है, वो प्रकृति है। तो सीधे आंसर है, दशमलव हटाने के बाद क्या होता है उसी रूल को अपना लेना है, गुना भागा इसमें करना का है। अरे दशमलव के बाद देखा जाता है रूल होता है उसका, नहीं पता अगर ज्यादा है तो प्लस कीजिए और ना है तो उतने पर छोड़िए, दशमलव के घाट कीजिए। चार से नीचे रहेगा तो एगो प्लस नहीं होगा, पांच रहेगा तो प्लस होगा, छह रहेगा तो प्लस होगा, समझ गए। तो हाँ ठीक नहीं है, ये इसका नियम है मैथ का। तो यहाँ पे चार है लेकिन चार के बगल में क्या है, पांच है, तो पांच एगो देगा उसको चार को, तो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। अब बाकी ये ने पांच तीन दो, पांच वाला चार हो गया तो इन तीन को खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, पांच पॉइंट चार पॉइंट पांच। अब उसको भी खत्म करना है पांच को, तो पांच एगो दे देगा होने चार वाला को, तो हो जाएगा सीधे पचपन। आया समझ में, ज्यादा दिमाग लगा रही हो। हाँ रूल कितना आंसर होगा, रूल से बता, पचपन होगा कि दूसरा होगा इसका। अरे हाई दस हम लोग गायब करना है, हेने से एक देगा वो क्या है, तो उधर से लेगा ना ही बगल से, तो बगल से लेगा तो पांच हो जाएगा, लेगा तो फिर उसको देगा ना तो कितना होगा, तो वह तो बात हम ही बोल रहे हैं। अगर तुमको पांच से नीचे है तो वो किसी को नहीं देगा ना देगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, दस हम लोग हटा दो आंसर। जो अगर ज्यादा है तो उसमें दिमाग लगाना, ज्यादा है तो एगो दे दो, एयो को दिया जाता है, दू को नहीं दिया जाता, समझ गए। मैं तो दोनों को बताना पड़ रहा है कंप्यूटर क्लास कराते कराते, तो स्ट्रांग नहीं है सर मैथ मेरा, मैथ तो स्ट्रांग क्वाजी है स्ट्रांग भाई, बतावा है रविंद्र का स्ट्रांग बा बा तोरा से पुरान हो गेले, नीम हो गए चांदनी के पुआ आई हुई। हाँ लास्ट किया है 2-3 महीने, दो तीन महीना से कम नहीं हुआ होगा, तब हम जान रहे हैं ना, 3 महीना बच्चा को आ जाना। हमने ये हॉरिजेंटल वर्टिकल में हमको सबसे बड़े दुख हुआ है कि उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं समझ में आ रहा है, शॉर्टकट की पूछ रहे उसको नहीं आ रहा है, अब बेल्टाउन के फॉर्म भरी है जिसके लिए तैयारी में लगी है। यहाँ दिन गिनाने से और दिन गिनाने से थोड़े होगा, कोनो नौकरी नहीं ना कर रहा है कि जाइए थम लगा दीजिए, चलिए अभी नहीं काम करेंगे एक घंटा बाद काम करेंगे, थोड़ा सा काम किए चले आज नहीं करेंगे कॉल करेंगे चलेगा। यहाँ तो आप पढ़ रहे हैं, आपको नौकरियाँ लेना है, नौकरियाँ ले लीजिएगा, नहीं काम करने तो 5 दिन अपना छुट्टी है लेके चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। तो ऐसे मत समझिए, अभी आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, तभी नौकरी होगा, नौकरी के लिए पागल होना हो। एक एक दिन पे जितना खाना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना उसका तैयारी करना इम्पोर्टेंट है। तू लोग तो अभी पूछो नहीं है इसमें, एक आदमी को छोड़ कर मतलब नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि मतलब ऐसा स्टूडेंट जो उसको उस चीज से नफरत, ऐसा दो स्टूडेंट था लेकिन दोनों स्टूडेंट का हमने बहुत समझाया, लेकिन ये और ऐसा आप घमंड समझो या जो भी समझो उस अपने सोच से, हमको नहीं करना है तो नहीं करना, भले उसको नौकरी मिले या ना मिले उसको कोई मतलब नहीं, तो वो छोड़ के चला गया। और उसको गार्जियन के पास जब जाने के लिए बात करता था लागत की गिर गिरा, समझ गया। तो कहने का मतलब लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो रह गया, अब धीरे धीरे उसका उसमें मन लग गया, तो करने से मन लगता है। पांचवा क्लास में वो कहानी था कि कविता था, ये क्लियर नहीं कर सकते हैं। एक इनार था और इनार में से, अब तो इनार धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, खत्म हो रहा है ना, विलुप्त हो रहा है, ये सब चीजें बहुत कम है, विलुप्त हो रहा है। पहले जितना था ना, पहले कल के तुलना में इनार था, कल कम था इनार ज्यादा था। तो उसमें से
हाँ, कुछ नाम था स्टूडेंट का जो सबसे भोत लड़का था, नामो हम भोत पर आ रहा है, और उसको पढ़ने मन नहीं लगता। एक आदमी उसको बताया कि तुम जाना इनार पर और उसको देखना, उस रासा से घिसते 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 इनार का पूरा जो ईटा रहता है उसमें पूरा दाग लग जाता है। तो वही उसको समझाया कि धीरे धीरे तू तैयारी करेगा तो तुम्हारा भी तैयारी हो जाएगा, जब से पढ़ना स्टार्ट किया भविष्य में आगे करेगा। समझ गया? मतलब जो 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 दो आदमी का हम जो बात बता रहे थे उसमें से मतलब टाइपिंग से 100 कोस दूर भागती थी लड़की, उसको नहीं करना। टाइपिंग इतना आसान कोई चीजें नहीं बाबू, टाइपिंग है एक ऐसा चीज है, पढ़ाई आप कितना उस सोचते रहिएगा तो आपका टाइपिंग होते रहेगा, पढ़ाई के मैटर में बता रहे हैं। लेकिन बाकी चीज आप कितना हो टेंशन ले लीजिए तो आपका नहीं होगा पढ़ाई, ना मैथ बनेगा ना कोई चीज याद होगा। लेकिन आपका तबीयत तो खराब है तो आपका उंगली चल रहा है, गाना सुन रहा है, इतना आसान तो कुछ हल ही नहीं है टाइपिंग में। लेकिन लोग इस चीज को बात नहीं समझा, नहीं तो जाइए, बहुत आदमी टाइपिंग नहीं करता है। लेकिन जो आदमी रह गया उस पर हमको विश्वास नहीं था कि वो रहेगा चाहे तैयारी करेगा। समझ गए? और कहने का मतलब है जितना वो मेहनत कर दिया है उतना और मेहनत कर देगा तो समझिए कि इस बार उसका कल्याण, जॉब उसका रखा था। अब बस हर वो टाइपिंग में उसका मन लग गया है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा क्लास में थोड़ा कम लग रहा है। तो धीरे धीरे क्लासेस जब आ जाएगा तो मजबूरी हो जाएगा क्या करना, क्लास में मन लगा देगा तो बाकी चीजें उसको दिक्कत ही कहाँ है। समझ गए? इतना रेगुलरिटी रहती है वो कि पूछवे मत कीजिए। उसके सामने जो ये पूजा है जो रहती थी ये कभी कल अपसेट मार देती है क्लास में, लेकिन वो नहीं मानती। जो है जो उससे 100 कोस दूर भागता था पढ़ाई के मैटर में, उस लड़की की बात कर रहा है। समझ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ देंगे, नाम नहीं बताएंगे ना, तो नाम बताएंगे फिर उसको घमंड हो जाएगा, इसलिए अभी पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए उसको, इसके बारे में कह रहे उसको पता हो गया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो दशमलव वाला हम लोग चले जान गए, और यहां से हम लोग आ जाते हैं ड्रॉप डाउन मेनू से उचित आकार के पेज का चयन करें। ड्रॉप डाउन कहाँ है? यहाँ पे है, देखिए चित्र 4.7 में दिखा रहा है, इसी में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात बता रही है। उसके इसी है क्वेश्चन उससे पूछा गया। आप देखिए कैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, मुख्य टैब बार में पेज लेआउट में ओरिजेंटेशन सब टास्क के अंतर्गत ओरिजिनेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में बदलने के लिए उसी के अनुरूप बटन पर चयन करें। कहाँ जाना है? पेज लेआउट में, ओरिजिनेशन एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। किस तरह आएगा? इस तरह आएगा, दिखा रहा है। तो चलते हैं हम लैंड लेआउट, पेज लेआउट में चलते हैं। पेज लेआउट किधर है? यहाँ है, क्लिक कर दिए। अब कहाँ क्लिक करें? होरिजेंटेंशन यहाँ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा तो इसको छोटा कर देते हैं। अब दिखाया, इस पे क्लिक कर देंगे, दिखा रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर मान ली कि इसको हमको करना है लैंडस्केप तो लैंडस्केप हो जाएगा चौड़ा, अब पोर्ट्रेट मतलब लंबा वाला, आया समझ में? इसी के बारे में इन्होंने बता रहा है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ तक बता दिए, किसी कोई दिक्कत इसमें बोला जाए। पुजारा समझ में? तुमको आ रहा नहीं था समझ में? नेक्स्ट उसके मुख्य टैब बार पर व्यू टैब जूम सब टास्क का चयन करें। अब देखिए ये चला गया कहाँ लेकर? किस टैब में? व्यू में। देखिए कैसे कैसे ले जाता है, जूम टास्क का चयन करें, जूम डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा, डायलॉग बॉक्स को जूम करने के लिए जूम टू के तहत अनेक पेजों को जांचे, ओके पर क्लिक करें। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर आपके दस्तावेज के अनेक पेज प्रदर्शित होंगे, ओरिजिनेशन बदलने के लिए पेजों का चयन करें।
अभी दोनों बता देते हैं बाबू, जूम पे जाएंगे, इसमें चल जाएंगे। पहले हम लोग कहाँ जाते थे, पेज लेआउट में, अब यहाँ पे जूम में जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद एक जूम दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, अभी जूम वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर देंगे। आए आप कितना, 100, 200, 75, कितना करना है उतना करना है, उस पे क्लिक कर। जैसे 200 करना है तो 200 पे क्लिक कर देंगे, बड़ा हो गया। अगर हमको 100 पे करना है तो यहाँ पे 100 पे क्लिक हुआ। अगर हमें 75 करना है तो 75 पे करेंगे, आउट पे करेंगे। अगर हे पर क्लिक कर देंगे तो 100 हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ाइए, घटाइए, यहाँ घटाने के लिए, यहाँ बढ़ाने के लिए बढ़ रहा है। आ रहा समझ में सबको, क्यों घा रहा है सब। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फाइल, फाइल का नाम सुना है, फाइल सेटअप पेज चुने, और फाइल सेटअप पेज चुने और पेपर साइज टैब पर क्लिक करें। उसके बाद होरिजेंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट विकल्प जो आप उन चयनित पेजों के लिए चाहते हैं उस पर क्लिक करें। एक तो पेज लेआउट से कर सकते हैं और दूसरा हम किसके माध्यम से करते हैं, फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है आपको 7 में पेज सेटअप के माध्यम से, लेकिन हमको यहाँ प्रिंट में जाएंगे और तब जाके यहाँ पे पेज सेटअप मिल जाएगा। अब इसके माध्यम से पोर्ट्रेट कीजिए, लैंडस्केप कीजिए, इसी के बारे में ना बता रहा है। लाल मुनि खारा होगी, और लाल मुनि खारा होने के बाद बताओ लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी। बारे बार लैंडस्केप मतलब होता है चौड़ा, तो लंबवत में कहाँ जा रही है, अभी नहीं तो निकाल के देखा है, कहाँ ध्यान रहता है, ये लैंडस्केप नहीं पढ़ा रहा है उस समय से, तो लंबवत पढ़ रही है, ध्यान इसका नहीं है इस जगह साथ। क्या हो गया है तुमको, अब यहाँ पे बैठ जाओ। ड्रॉप डाउन बॉक्स में अप्लाई टू विकल्प का चयन करें, समाप्त होने पर ओके पर क्लिक करें। अब उसमें क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ जैसे हमने आ गए, यहाँ पे हमको लैंडस्केप चाहिए, यहाँ पे जब कर लीजिए तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, चौड़ाई बढ़ गया। इसी के बारे में इन्होंने कह रहा है, इसके फिगर में भी देख लीजिए, सेम दिखा रहा, 4.19 के फिगर में हेडर और फुटर। रहने दे कि पढ़ा दे, हेडर वो टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पेस्ट के शीर्ष मार्जिन पर डाला जाता है, जैसा जैसे कि दस्तावेज का शीर्षक या पेस्ट संख्या। फुटर वह टेक्स्ट होता है जिसे निचले मार्जिन में डाला जाता है। दस्तावेज में हेडर और फुटर को डालने के लिए इन चरणों का पालन करें। समझ में आया, कति कह रहा है, शीर्ष मार्जिन पर डाला जाता है, मतलब ऊपर, शीर्ष मतलब ऊपर, शीर्षक दे रहा है शायद नीचे, ठीक है। तो मतलब ऊपर भी चाहे तो आप लगा सकते हैं नंबरिंग, और नीचे भी चाहे तो पेज नंबरिंग लगा सकते हैं उसी के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, टॉप मतलब ऊपर है, बॉटम मतलब नीचे, देख लो, लगा देता नहीं। इंसर्ट में चल जाएंगे, यहाँ पे क्या दिया है, कोना पे क्लिक कर लखाओ, ये नुबा। अब इसमें से हम क्लिक कर लेंगे जिस पे हमको जाना है उस पे। हेलो हेलो, हाँ आओ चोरा के ले, बारी क्लास में। अभी अब यहां से हम लोग देख लेंगे टॉप ऑफ पेज, टॉप मतलब ऊपर और बॉटम मतलब नीचे, तो नीचे के बोलते हैं फुटर,
और ऊपर को बोलते हैं हेडर। आ रहा है समझ में? लाल मुनि खड़ा होगी। अगर हमको नीचे में लगाना है या कुछ लिखना है तो उसको क्या बोलते हैं? फुटर। तो फिर बॉटम को क्या बोलते हैं? हेडर। पास बहु पूजा केंद्री हुई, भुला गई। अभी तो हम पढ़ाए ना, दो सेकेंड हुआ, बताए कि नहीं बताए? अरे अभी तो बॉटम बताए हैं, आ टॉप बताए हैं, आ हेडर बताए हैं, आ फुटर बताए हैं, नहीं सुनी है? तो काहे मिस्टेक हो गया? नहीं हुआ, देख लेला सीना जोड़ी। मतलब गलतियों पर या ऊपर से बोलियो रही है? अभी के बात अभी नहीं याद रही लैब करने की? तू तो अभी में अंग्रेजी डाल के दिमाग लगा था, वो अभी पढ़ाता नहीं है। टॉप बात है, कब का लैब करी है? लैब उसको आज से बोल रहा है, डेढ़ महीने से बोल रहा है कि आके करना। पूछो मुंह पे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? वो उसी को बोल रहा है, सब किसी को बोले थे। नहीं करता है सबको, धूप में जल जाएगा, काली हो जाएगी, छाता लेके ना आ सकती है। छाता लेके नहीं जाता है सब? पूजा आती है बिना छाते, कहाँ काली हो जाती है? उसको कहाँ टेंशन है गोरी काली से? मतलब वो पहले अपना एति कर, अपना दिमाग अपना लगा रही कि सही जगह पे आदमी चला जाए। नहीं देख रही, नहीं आ रही है धूप में, कहीं नहीं आगे पड़ी। दो महीना पहले बोल रहा है तुमको, प्रॉब्लम तो हमारे जाए तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ना बर्दाश्त हुई था बीच में बोल देना, बारह पक्ष ले इधर आओ। देखो टॉप मतलब ऊपर होता है, ध्यान से देखो, फिर हम पूछेंगे। अब डांटा चलेगा, पहले समझ जाओ। बहुत देख रहे, सवेरे से तुम्हारा देख रहे हैं, अब तुम दिमाग नहीं लगा रही है। अभी तुमको हम पढ़ाए हैं दशमलव बारह, वो वाला में से पूछ देंगे, तुमको नहीं आएगा? आएगा पूछे? कैसे काम चलेगा? अच्छा तुम बताओ, हमको लेना है A4 पेज, पैसे लेंगे। अभी पढ़ाए हैं लेगल पढ़ाए हैं, A4 पढ़ाए हैं, लेटर पढ़ाए हैं, तीनों चीज पढ़ाए हैं। बता, अब बैठ जा, एक बात नहीं पूछेंगे आज भर। बुक होगा कि नहीं होगा टीचर को, इतना प्रेम से पढ़ा रहा है। अब बोले ये सर जी पढ़ाइए पढ़ाइए, अरे तुम्हारा दिमाग अजब कर रहा है, हमारा दिमाग